जानते हैं त्रिपुरा एक राज्य है जो पहले माननीय प्रधानमंत्री जब आए हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के कारण जिस तरह वहां पर डेवलपमेंट हुआ, उन्हें खास करके एज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम त्रिपुरा मैं तो कह सकता हूं हम लोग कभी भी सोचे नहीं थे। उन्होंने कहा था कि हीरा मॉडल आपको देंगे, आप हीरा प्लस दे रहे हैं। यही मतलब नेशनल हाईवे, 6 नेशनल हाईवे त्रिपुरा में, पहले तो एक ही नेशनल हाईवे था, वो भी मैंने वन लाइन ही बोलूंगा इस तरह था। तो अभी नेशनल हाईवे हम लोग का 6 है, 4 ऑन प्रिंसिपल और भी मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और इंटरनेट में अब अगर सोचिएगा त्रिपुरा में 3rd strongest इंटरनेट है त्रिपुरा में। और रेल का बात करूं, कभी सोचा भी नहीं थे, पूरा नॉर्थ ईस्ट में ही आ रहा है अभी, लेकिन त्रिपुरा में अभी राजधानी से शुरू करके कंचनजंगा से शुरू करके विस्टाडोम से शुरू करके हर किस्म का ट्रेन अभी अगरतला से जा रहा है, इवन लास्ट बॉर्डर साबरूम तक पहुंच रहा है। आप सोचिए, कभी सोचा भी नहीं था, मतलब जिस तरह वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है। और एयरवे का बात करें, मैं समझता हूँ विद ड्यू रेस्पेक्ट टू अदर माई कोलिग्स, त्रिपुरा का जो एयरपोर्ट है ये सबसे सुविधा मैंने बेस्ट एयरपोर्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और ये मेरे ख्याल से अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अभी डिक्लेयर करने वाले हैं। और यहाँ से हम लोग ऑलरेडी बात भी हो चुका था कि फर्स्ट फ्लाइट जाएगा चिटागंग में, लेकिन आप सब जानते हैं बांग्लादेश में जो समस्या अभी हुआ है इसीलिए नहीं हो पा रहा है। और अभी देखिए बांग्लादेश के साथ हमारा वहाँ मैत्री सेतु भी बन गया है, ऑलरेडी रेडी भी था, तो हम लोग का अप्रोच रोड भी बना हुआ है चिटागंग को लेके, जो साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे बनने वाला था, तो ये अभी रुका हुआ है। ट्रेन भी बांग्लादेश होके कलकत्ता आना था, ये भी खत्म हो गया, मैंने पूरा मैंने ये भी मैंने स्टार्ट होने वाला था, ये बंद हो गया, अभी मैंने अभी रुका हुआ है, होगा इसके बिना तो होगा नहीं। और त्रिपुरा में आप देखिए 28 राज्य में सबसे पहले कोई भी डेवलपमेंट हो, ये इंडस्ट्री हो कोई भी चीज, और वहाँ शांति अभी 28 राज्य में नीचे से 3rd पोजीशन में, अभी लास्ट ईयर 5th पोजीशन में था अभी, तो वहाँ पर पीसफुल स्टेट आप कह सकते हैं। और वहाँ जाति जनजाति मिल के हम लोग मणिपुरी और भी जो जातियाँ हैं सब मिल के हम लोग अच्छी तरह से वहाँ पर रह रहे हैं अभी। तो बहुत दिन के बाद पहले 35 ईयर्स लेफ्ट का वहाँ शासन रहा, उसके बाद प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जैसे हम लोग आए हैं वहाँ पर, अभी जिस तरह डेवलपमेंट इस तरह हो रहा है तो देखने का लायक है। अब पहले मैं खुद भी एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो हम लोग बाहर ही जाते थे पढ़ने, अभी त्रिपुरा में 3 मेडिकल कॉलेज हो गया, 400 उसका ये चाहिए था मैंने डॉक्टर चाहिए, तो ये अभी फुलफिल हो गया। डेंटल कॉलेज अभी माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ जाके वो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज भी हुआ, उसके बाद नर्सिंग कॉलेज हुआ, एजुकेशन हब और हेल्थ हब, ये हम लोग का प्रायोरिटी सेक्टर है। हॉर्टिकल्चर भी बोलिए, एग्रीकल्चर भी बोलिए, सभी चीज में हम लोग त्रिपुरा में जिस तरह भी डेवलप हो रहा है, GHDP काफ़ी अच्छा वहाँ पर अभी आ रहा है। और जहाँ तक आपका वहाँ का खास करके एग्रीकल्चर हम लोग का मेन सेक्टर है, एग्रीकल्चर में काफ़ी बढ़ती हुई है, काफ़ी चीज में हम लोग आगे हैं अभी। तो मेरे ख्याल से त्रिपुरा में आने वाले दिन जो एज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये तो मैं समझता हूँ जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक हमारा देश भी डेवलप नहीं होगा, ये अभी दिखाई दे रहा है। और नॉर्थ ईस्ट में पहले भी आप देखे हैं कितना हमेशा वहाँ पर टेररिस्ट का समस्या था, 12 कम से कम 12 एकॉर्ड हुआ है जिसके कारण वहाँ शांति भी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ, और पहले हम लोग बाहर जाते थे त्रिपुरा कहाँ है, आसाम के साथ तो नहीं है इस तरह पूछते थे आप, लेकिन अलग अलग स्टेट सिक्किम त्रिपुरा नागालैंड मिजोरम मेघालय सब अलग अलग पहचान उसमें आ गया। कल्चरली आप देखिए ये हार्ट लगा हुआ है हमारा, 19 ट्राइब्स है वहाँ, उनका अलग अलग
मतलब मैंने कल्चर, उनका अलग अलग मैंने सोचने का ढंग, उनका तैयार जो हम लोग हिंदी क्राफ्ट हैंडलूम इतना अच्छा है, तो मेरे ख्याल से इस तरह हम लोग आगे डेवलप करेंगे। बिल्कुल, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी जिसको कहते हैं ना कि पॉपुलर इमेजिनेशन में इस सारी इनिशिएटिव्स को लेके आना जरूरी है, तो तमांग साहब की इजाजत के साथ अब पहले मैं इनसे कोनराड संगमा साहब से सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये एक बहुत ही अलग काम कर रहे हैं जो नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों में शायद इनका एडवांटेज है, वो है म्यूजिक लेड टूरिज्म को डेवलप करना। खुद भी चूंकि गाते भी हैं और गिटार भी बजाते हैं, तो इनको अंदाज है कि ग्लोबल लेवल पे टूरिज्म कैसे आजकल शेप हो रहा है, और उसमें जब लोग इमेजिन करते हैं तो कहते हैं कि साहब बड़ा इवेंट करना है तो दिल्ली, मुंबई, गोवा, बेंगलोर में करना पड़ेगा, लेकिन ये काफी कुछ कर रहे हैं। मैं बताऊं उसके पहले इन्हीं से सुनते हैं। संगमा साहब, थैंक यू संजय जी। बिफोर आई कम टू द टूरिज्म एंड द म्यूजिक पार्ट, आई जस्ट वांट टू टच अ बिट ऑन the discussion that was happening. And the first and the most primary reason why Northeast has the greatest potential for growth is the same reason why India has the potential of growth from the global aspect. If you look at the Western nations, whether it's in Europe or whether it's the US, or even the eastern countries like Japan, they have touched the peak of their growth. So the growths in those countries are at 2%, 1%, 3%. Similarly, if you look at India, if you look at the western part of Maharashtra, Gujarat, and even Tamil Nadu and other states, there is a very long history of economic growth in those areas. So therefore, the percentage of growth, the delta that we expect in these areas, is not going to be so high. Does that mean that they're not economically growing? It's not like that. But the potential, the delta of the growth, is higher in India compared to the rest of the world, and it's higher in Northeast compared to the rest of the country. Like, for example, we expect that after India, the African continent is going to be the engine of growth for the global economy. So that's what is important for us to realize. And while we do that, we need to seize this opportunity at this correct time. And the reason is because of the political leadership we have. I really would like to thank our Honorable Prime Minister and obviously our Donor Minister and Government of India as a whole, that the kind of support we have received in the last 10 years in the overall infrastructural growth, in the overall cultural growth, tourism growth, agriculture, in all the sectors, we have seen that there's been a huge push to really bring out the potential that is there in the Northeast. Hence, if you look at the growth rate, for example, I just share with you my state's own growth rate, that 6-7 years back, we were lingering around 8%, 7% growth rate. But in the last couple of years, we have been touching almost 15% in the GSDP growth rate. And that's happening because of the huge investments that are being made, the opportunity that exists right now, the kind of infrastructure that should have been there in the Northeast and should have been given, was not given in the past. But then you're seeing that push now, and therefore the percentage of growth is much higher in the Northeast. And that's the reason why Honorable Prime Minister is very focused on that, and it's a correct strategy, and we are seeing the results of what's happening. In our state of Meghalaya, we've been very clear on a few things. Number one is that it is important for us, for any state in fact, to be able to identify the challenges, to be able to identify the problems, to be able to then identify the opportunities, and then come out with an action plan based on your constraints, your challenges, and the opportunities that are there. And I think every state needs to focus on that. We realize that in Meghalaya, we have challenges in terms of our geographical location, the difficulty in getting to the hill areas. We have challenges in terms of our land tenure system, which is a challenge because we don't have land available for economic growth, because only the local tribes out there can own the land. It's an act that our leaders had brought in a long time back.
Now, it's a challenge, but at the same time, it's an opportunity for us. It is also the reason why Meghalaya is still pristine till now, because we've not had the kind of inflow of the commercial activities that would have been there if the Land Transfer Act was not there. So people ask me that, you know, you don't have land for growth. Isn't that a factor that slows down the growth? I said, no. It is the right thing we did. We protected our land. We protected our people. And that is the identity that we have had. But now we will build on this and get a mix of how we can balance between our traditions, between the laws that we have, the constraints we have, and figure out what opportunities there are. And hence, working on that, we realized that the sectors like tourism, sectors like agriculture, food processing, sectors like IT are ideally suited for the state of Meghalaya. And what is important, and we are working on all of them, I don't think I have enough time to explain what we're doing in each one. But I think one point I want to also add is that while we do that, we also realized that our community is something that we are very, very strong at. The network we have 7,000 villages. And in each village, there is a headman. There's a community. That's how our tribal society works. And what we're very proud of is that these headmen have a very strong kind of presence in the villages, and that becomes a very strong institutional network for us. Now, what we did and we realized is that when we want to bring in development, we can easily mix the model of community participation with development. I'll just share with you, we have just laid the foundation for a 200 crore, almost 200 crore cable car going from Shillong to Shillong Peak. Now, this model, where we brought in the investment from NDB, the land didn't belong to us. It belonged to the community. So we went for a PPP, a community PPP, where we have an agreement with the landowners. The share of the profit that comes in goes directly to the landowners, I mean, part of it. And it's a win-win situation for the operator, for the tourist, for the government, and for the community. Similarly, we did the same thing for different tourism projects that are there when it comes to government land, when it comes to community land. So that's what we're moving forward with. Coming to the last point, which you had started the discussion, which is tourism and music, absolutely correct. The Northeast has a very, very strong connection with music and a very strong connection with sports. And I think it's important for us that as political leaders, as a government, and as people who want to bring a change, that if we fail to connect with this sentiment of music and sports, I think the development model will be incomplete. And hence, we need to involve our youth. We need to make them feel connected with this. By us having big programs, and I'll just share with you, half of these programs are not sponsored by the government, by the way. These are purely private concerts sustained on their own, simply because the passion is so high. The Bryan Adams concert we're having on the 10th, the government did not spend a single rupee on it. In fact, we were asked to buy tickets because they're not giving passes to us because we didn't sponsor them. We are bringing in Ed Sheeran on the 12th of February. We have many other bands coming in. This is something and a strong way to involve the youth. We need to realize that India's young, the Northeast is even younger. Meghalaya is even younger. We have a very young population. And hence, if you don't connect with the sentiments of the youth and bring out these different passions that they have, especially sports and music, I want to talk about these two. Of course, culture in general, it is there. But sports and music is very powerful. And we really want to take it further and bring in other cultures, aspects. We want to bring in other arts aspect, movie, making, so on and so forth, you know. We want to bring that out. So, yes, we have realized that potential and we wanted to connect it with tourism, and that's where we are now. And we are very hopeful that this will really yield big results for us. But while we do that, of course, we need all the support from Government of India. And just 1 minute more before you bring the mic too close. Sorry, it's an indication that I have to stop talking. But then as a rude politician, I'll intervene there. The last point I want to make is that we need the strong infrastructural connectivity, very, very important. Government of India has focused on that, realized it and focused on it. I'm very thankful. And number two, what we need is exactly what we're doing right now. We need to talk to each other.
We need to cooperate and coordinate among each other. We need to present ourselves, yes, as individual states, but also as a region that has got huge potential to engage with Southeast Asia, to engage with Bangladesh, you know, BIMSTEC. I keep talking about this again and again. It's a great platform to mention this. But there's a strong need for Mizoram, Tripura, Meghalaya, and Assam to talk to Bangladesh together. There's a very important need for Assam and Arunachal to speak to Bhutan together. I know, I'm just going to take one second. Not at all. Carry on. It's very important for that thing to happen because that's how we'll be able to really present a larger market, a larger production area. So that's very important for us. So I hope that this continues. I am very thankful to our leader, our dear friend, Shri Sindhya Ji, for having taken this initiative. And I really would like to request, sir, that this must continue. I hope we have more engagements because every time we come, there's just a talk straight away and we don't engage with the stakeholders. I think it's very important to engage with stakeholders. It's important to engage with each other. So I think this should happen. I know Sindhya Saab had mentioned that he wants Q&A, so I will not talk much now. There's much more to say, but I think Sanjay Ji is again bringing the mic close to his mouth. So the third time, I will not stop him anymore. So thank you so much. No, I must clarify, although TV anchors have this bad habit, but actually you gave me a cue where I thought you were kind of concluding. So I just picked up the mic just to clarify. But what a fascinating narration that he has just laid Sanjay out for us. Just to add in there, always remember in life that politicians never conclude. True. No, very fascinating and very powerful points and thoughts here that we need to elaborate. And there is a time limit for this kind of conversation. But you have raised many thought-provoking issues and that we must keep talking and bring them out in public conversation at a larger level. But before I have some more supplementaries for you and Mr. Sindhya, I'll go to Mr. Tamang. When we talk about this kind of coordination among the states themselves and the kind of support you need, because the ministry is carved out only for you. This Northeastern Development Ministry is only to support certain kind of activity. So what are your priorities? What are your accomplishments? And what is the next big ticket item that you are working on and you need central support? Thank you, Sanjay Ji. सर्वप्रथम मैं उपस्थित भारत सरकार के दोनों मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि शायद ये पहली बार हुआ है ये कार्यक्रम जो अष्टलक्ष्मी महोत्सव ये पहली बार है और इस महोत्सव के अंतर्गत सारे आठों राज्यों से विभिन्न स्टेक होल्डर्स विभिन्न एनजीओस एंड विभिन्न एंटरप्रेन्योर्स का सहभागी बन पाया। मैं इसके लिए मैं भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और सिंधिया जी को और इंटायर टीम ऑफ द रूरल मिनिस्ट्री और मैं संजय जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि एक पहली बार है हम लोग अपना सीधा सीधा संभाषण नहीं लेकिन इंटरेक्शन सेशन में आए हूँ ये पहली बार हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट में हम लोग उत्तर पूर्व राज्यों में हम लोग आठ राज्य हैं और आठ राज्यों में से सबसे छोटा राज्य और कम आबादी वाले राज्य सिक्किम है और सिक्किम सबसे बाद में नॉर्थ ईस्ट में इंक्लूड हुआ है तो जब मैं पहले की बात करना नहीं चाहता हूं क्योंकि 2014 से पहले अलग सा एक सिचुएशन था उस समय नॉर्थ ईस्ट को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जैसा ट्रीट करता था इज ओनली ए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म लेकिन 2014 के बाद सीनियर चेंज हो गया कि अब नॉर्थ ईस्ट इज नॉट ओनली ए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नाउ इट इज ए डेवलपमेंटल प्लेटफॉर्म तो भारत सरकार का जो नजरिया है माननीय प्रधानमंत्री का जो सोच है वो सोच के कारण अभी नॉर्थ ईस्ट आठों राज्य बहुत आगे बढ़ चुका है चाहे हर क्षेत्र में बोले कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बोले और डेवलपमेंट के क्षेत्र में बोले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में बोले हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है
लेकिन नॉर्थ ईस्ट में छोटा सा बहुत सारे प्रॉब्लम, मतलब उतना प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन मैं प्रॉब्लम बताऊँ सर। अगर मेरा राज्य के बारे में अगर बात करना चाहते हो, आप अपने आप में नॉर्थ ईस्ट में हर राज्य का अपना क्षमता है। जैसे सिक्किम के बारे में अगर मैं बात करें तो सिक्किम इज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन। यहाँ हमारा देश में बात करता है, स्विट्जरलैंड का बात करता है, पेरिस का बात करता है, हर जगह बात कर, लेकिन अगर हर हमारा देश के अंदर से अगर सिक्किम जाए तो सिक्किम इज लाइक स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड से कम नहीं। तो टूरिज्म में बहुत आगे बढ़ सकता है, और खेल कूद के क्षेत्र में बढ़ सकता है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ सकता है, हर क्षेत्र में बढ़ सकता है, कमी को इसमें। लेकिन थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में अपना स्टेट में बात करें तो मेरा स्टेट में अगर कनेक्टिविटी ठीक हो, जो अभी 2014 के बाद तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, मेरा सिक्किम 3 अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बॉर्डर से सराउंडेड है, नेपाल, चाइना एंड भूटान, और अभी बॉर्डर तक अभी रास्ता पहुंच गया अभी, और रेलवे का लाइन अभी 2025 के अंत तक शुरू हो जाएंगे। अगर ये हो गए और रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और रेलवे कनेक्टिविटी ठीक हो गए तो अपने आप बूस्ट हो जाएंगे, तो अभी काम पूरा शुरू हो गए। और मैं इसी ये इंटरेस्टिंग सेशन के माध्यम से मैं भारत सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय होम मिनिस्टर को और माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा समस्या था रोड कनेक्टिविटी का, जो पश्चिम बंगाल सुबुक से लेकर ब्रह्मपुर तक का जो कनेक्टिविटी था, ये नेशनल हाईवे NH10 का, NH10 हर बार बंद होता था, मतलब ऐसा इतना ज़्यादा बंद होता था कि प्रतिदिन हम लोग को 100 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान ही भरना पड़ता, जीएसटी पे हर कारण। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रोड को NHAI या सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपा दिया है, तो अभी काम हो गया। तो इसीलिए अगर रोड ठीक हो और कनेक्टिविटी ठीक हो तो बहुत आगे बढ़ सकता है। और सिक्किम इज ऑर्गेनिक स्टेट, आपको मालूम है, और ट्रेडिशनल फार्मिंग स्टेट है। अगर इसको अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर रोड अच्छा हो, एयर कनेक्टिविटी अच्छा हो और रेल कनेक्टिविटी अच्छा हो, तो हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में इनको ले जा सकते हैं। इसीलिए मैं भारत सरकार को इसी माध्यम द्वारा मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि हमारा नॉर्थ ईस्ट को फोकस हो इंफ्रास्ट्रक्चर में और कनेक्टिविटी में, अगर दे तो अच्छा रहेंगे। और स्पेशली फॉर माई स्टेट, अगर मेरा स्टेट को अगर मेडिकल मतलब टूरिज्म के क्षेत्र में ले जाए एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट जितना भी हो सके अगर हो जाए तो बहुत डेवलपमेंट आगे बढ़ेंगे। और नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा शक्ति है जो एक अपने देश को बहुत सारे योगदान दे सकते हैं। और मैं इसी माध्यम से, इसी जो इंटरेस्टिंग सेक्शन के माध्यम से, मैं जितने भी हमारा एंटरप्रेन्योर्स मौजूद है और हमारा जितना भी NGOs भी मौजूद, उनसे मैं अनुरोध भी करना चाहता हूँ, हम लोग आगे बढ़ के, बहुत आगे बढ़ के, हम लोग जितना भी कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए, आना चाहिए, और अपना जितना भी प्रोडक्ट को अगर बढ़ावा देके मार्केट में लाएंगे तो हम लोग आगे बढ़ सकता है। मैं भारत सरकार को फिर भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं स्पेशली हमारा डोनर मिस्टर साहब को, पहली बार आए, और ये कार्यक्रम हर साल अगर हो तो फिक्स डेट में, अगर फिक्स हो तो हम लोग पूरा प्रिपेयर होके हर साल हम सहभागी बन सकते हैं। और ऐसा कार्यक्रम अगर हो सके तो हर नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जो आठ स्टेट में एक एक कहीं एक कार्यक्रम अगर होगा तो अच्छा रहेंगे, तो हम लोग हमारा अपना स्टेट को प्रमोट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडियाज संजय, इफ आई कैन जस्ट कम इन अ लिटिल बिट। तो जो आज हमने हमारे तीनों माननीय मुख्यमंत्रियों से अपनी विचार, अपनी भावना, अपनी आत्मीयता से जो उनका एक स्ट्रैटेजी है, एक विचारधारा है, वो हमने सुनी। उसी परिप्रेक्ष्य में जो डोनर मिनिस्ट्री ने कोशिश की है और शुरुआत की है, क्योंकि हमारा अस्तित्व और हमारा कार्यक्षेत्र और हमारी जिम्मेदारी यही है। हमारी जिम्मेदारी है कि आठों राज्यों के साथ एक पार्टनरशिप के आधार पर हम लोग कार्य करें। आठों राज्यों की जो स्ट्रैटेजी है
और हर एक राज्य की स्ट्रैटेजी अलग होगी. त्रिपुरा की स्ट्रैटेजी सिक्किम से अलग होगी, सिक्किम की स्ट्रैटेजी अरुणाचल से अलग होगी, अरुणाचल की स्ट्रैटेजी मिजोरम से अलग होगी. उन हर एक स्ट्रैटेजी में हम लोग कैसा अपना योगदान दे पाए, ये डोनर का रोल है. और मैं मानता हूं कि डोनर का रोल केवल एक चेक कटिंग एजेंसी का नहीं कि हमारी रिसोर्स एनवेलप ये है और ये योजनाएं हम दे रहे हैं. हमारा रोल है पार्टनरशिप का. हमारा रोल है कि कैसे हम एक एक राज्य को हम लोग मदद कर पाए. तो उसी विचारधारा के आधार पर एक ट्रांजैक्शनल रोल से हटकर एक भागीदारी के रोल में हम लोग अपनी भूमिका अदा करें. पिछले 5 महीनों में हम लोग ने मंत्रालय के अंदर ही बहुत ही रिसर्च करके, कामकाज करके, एक एक राज्य के लिए एक रोडमैप जो दूर दृष्टिकोण से हम लोग देख पा रहे हैं, हमने वो बनाकर एक एक राज्य का भ्रमण हमने स्वयं किया है. और एक एक राज्य के मुख्यमंत्री, और मैं आज 3 मुख्यमंत्री हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, मैं लेकिन 8ों को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि पूरे प्रशासन के साथ बैठकर वो प्रेजेंटेशन हमने किया, जहाँ एक स्वॉट एनालिसिस हमने प्रेजेंट किया है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स. उसी के आधार पर सामाजिक क्षेत्र में हमारा राज्य कैसा कर रहा है, बाकी भारत के 35 राज्यों के उपलक्ष में कहाँ हम लोगों का परफॉर्मेंस है, क्या हमारे सुझाव हैं, उसी के साथ कहाँ कहाँ हमें कॉन्सेंट्रेट करना है. जैसे अभी कॉनराड जी ने कहा कि म्यूजिक के क्षेत्र में और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मेघालय में, आगरवुड के क्षेत्र में, त्रिपुरा में, पाइनएप्पल के क्षेत्र में, हैंडीक्राफ्ट कहाँ करेंगे, हैंडलूम कहाँ करेंगे, टूरिज्म हम लोग कहाँ करेंगे. तो पूरा रोड मैप हमने बैठ के हमने बनाया है. एक टूरिज्म के सर्किट भी हमने बनवाई है, एक एक राज्य को हमने प्रेजेंट भी किया है, जहाँ 2 दिन का 3 दिन का टूरिज्म का सर्किट हम लोग बना सकते हैं. और उसके फंडिंग के लिए भी हम लोग तैयार हैं, अगर राज्य सरकार एक पूरा रोड मैप और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर हमको दें, जहाँ क्वालिटी क्वांटिटी नहीं लेकिन क्वालिटी टूरिज्म हम लोग दे पाए. ताकि जो अभी स्विट्जरलैंड की हमने बात की, मैं तो ये कहूँगा कि स्विट्जरलैंड से आगे जाके एक एक राज्य मेरा उत्तर पूर्वी का एक शांग्रीला है पूरे विश्व के लिए. और एक एक राज्य में मैं अपने आप आपको बताऊं संजय, कि मुझे एक्सपोजर नहीं था डोनर मिनिस्टर बनने के पहले कि कितनी असीम प्राकृतिक भौगोलिक ब्यूटी है एक एक राज्य में, हम कल्पना भी नहीं कर सकते. और इसे विश्व पटल पर हमें निखारना होगा. अब वो कैसे हो, एक जो अभी कॉनराड जी ने स्ट्रेटेजी कहा कि हम लोगों को राज्य में ले जाएं, दूसरा कि हम राज्य को लोगों के पास ले जाएं. और उसी विचारधारा से अष्टलक्ष्मी महोत्सव, सांस्कृतिक महोत्सव का जन्म हुआ है कि अब हम 8ों राज्यों को विश्व तक ले जाना चाहते हैं. और कल के कार्यक्रम में केवल भारत के लोग उपस्थित नहीं थे लेकिन कई विश्व के राजदूत उपस्थित थे, विश्व के लोग उपस्थित थे, ताकि ये एक्सपोजर हम लोग दे पाए. और मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, और आपके जरिए संजय, जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जरूर आइए. और केवल 8 पवेलियन और एरी और मूगा सिल्क के पवेलियन को मत देखिए, आप जाके हमारे 320 हाट, ग्रामीण हाट जो हमने बाहर बनाया है, जहां किसान आए हैं हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों के, हस्तशिल्प के लोग आए हैं, हथकरघा के लोग आए हैं, उनकी असीम क्षमता वहां प्रकट हो रही है, वो भी आप जरूर देखें. और उनका उत्साहवर्धन हम लोग ये करें ताकि एक एक वर्टिकल को हम लोग इन राज्यों में बना पाए और उत्तर पूर्वी के 8ों राज्यों को विश्व पटल पर हम लोग निखार पाए. यही अष्टलक्ष्मी का संकल्प है. एक दूसरा, इन्वेस्टर्स मीट भी हम लोग करवा रहे हैं. अभी 21 दिसंबर को एक बैंकिंग समिट हम लोग आयोजित कर रहे हैं त्रिपुरा में, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को ले जाना पड़ेगा अगर विकास चाहते हैं. तमांग जी, साहा साहब, कॉनराड जी, हमारे खांडू साहब, सभी चाहते हैं. तो बैंकिंग सेक्टर को भी ले जाना बहुत महत्वपूर्ण है. तो सारे देश के बैंकिंग सेक्टर को हम बैंकिंग समिट कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, और अगले माह हम लोग इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के लिए. और उसके लिए अभी हमारे रोड शो चल रहे हैं,
जैसे एक राज्य का रोड शो चलता है, हम लोग पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए रोड शो कर रहे हैं। बेंगलुरु का हो गया, अभी हैदराबाद का हो गया। करीब करीब 18,000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर भी हो चुका है, और आने वाले मुंबई के रोड शो में मैंने निवेदन किया है तीनों मुख्यमंत्री जी से कि मेरे साथ रहें। 16 तारीख को हैं, कॉन्रैड जी और तमांग जी और शाह साहब से भी मैंने निवेदन किया है। बॉम्बे का रोड शो भी होगा, चेन्नई का रोड शो होगा, पूना का रोड शो होगा, उसके बाद हम लोग दो अंतर्राष्ट्रीय रोड शो की भी सोच रहे हैं, लंदन का और दुबई का, ताकि पूरे विश्व को हम दिखाएं कि हमारी नॉर्थ ईस्ट में क्या क्षमता है। तो हमारा गेम प्लान है, हमारी स्ट्रेटेजी है, और मेरे नॉर्थ ईस्ट, ये केवल शाह साहब का या तमांग साहब का या कॉन्रैड साहब का नॉर्थ ईस्ट नहीं है, हमारा नॉर्थ ईस्ट, इस हमारे नॉर्थ ईस्ट को विश्व पटल पर हम लोग निखारेंगे। बहुत बढ़िया। आपने अगर ध्यान दिया होगा, आज चारों वक्ताओं ने जो बातें कही है वो एक बहुत ही गंभीर और बहुत बड़ा एक्सपांसिव एजेंडा है। कितनी सारी एक्टिविटी लाइंड अप है। एक सवाल मैं सिंधिया साहब से और लेना चाहूंगा, वो ये है, चूंकि आपने बैंकिंग समिट का और इन्वेस्टर समिट का जिक्र किया, तो सरकार केंद्र की और राज्यों की सरकारें तो वो इनेबलिंग एनवायरमेंट बना रही हैं, प्राइवेट सेक्टर की दिलचस्पी एक विषय रही है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो चिंता का विषय रही है, लेकिन उनको नज करना एक बड़ा जरूरी सा काम रहा है। उनको लगता है कि आप सब कुछ परफेक्ट बना देंगे तब हम आकर के पैसा लगाएंगे। तो अभी सारा काम हम लोग गवर्नमेंट स्पेंडिंग से कर लेंगे ये जो एजेंडा है, या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को नज और पुश करने की जरूरत है? देखिए संजय, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया। प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट इन पैरेलल चलना चाहिए और वो चलेगा भी। उदाहरण के तौर पे बिग टिकट इन्वेस्टमेंट्स की हम लोग अगर बात करें तो 27,000 करोड़ का पहला सेमीकंडक्टर फैब लग रहा है नॉर्थ ईस्ट में, असम में, 27,000 करोड़। और उससे पूरे असम का नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के परिप्रेक्ष्य में वातावरण पूर्ण बदल जाएगा। जो व्याख्यान ताइवान की जाती है, कोरिया की जाती है, आने वाले दिनों में वो असम और नॉर्थ ईस्ट की जाएगी। और उसी के साथ अनेक क्षेत्र में हम लोग सभी मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, चाहे हस्तशिल्प हो, चाहे कृषि हो, हमारे बड़े बड़े कंपनीज कृषि के क्षेत्र में पाम ऑयल की बात हो, निवेश ऑलरेडी वहां कर रहे हैं, एफएमसीजी के सेक्टर में निवेश कर रहे हैं, हाइड्रो पावर, आप अनुमान नहीं लगा सकते, 56,000 मेगावाट की क्षमता है हमारी नॉर्थ ईस्ट की। आज केवल हमारा टोटल प्रोडक्शन नॉर्थ ईस्ट में पावर का करीब 2,500 से 3,000 मेगावाट का। इसलिए केंद्र सरकार ने कैबिनेट में ही 4,500 करोड़ की इक्विटी पार्टिसिपेशन की कैबिनेट नोट जारी किया है, 15,000 मेगावाट डेवलप करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में। क्षमता हमारी अपार है, उस पर हमको कार्य करना है, और इसलिए ये इन्वेस्टर्स मीट भी हम लोग ने आयोजित किया। जैसे मैंने आपको कहा, रुचि बहुत है। अगर 18,000 करोड़ के एमओयू दो ही शहरों से हम लोगों को मिल रहे हैं तो आप अनुमान लगाइए कि कितना हम लोग आकर्षित कर सकते हैं। और हमारे तीनों मुख्यमंत्री आज यहाँ हैं, अगर आठों मुख्यमंत्री उस इन्वेस्टर समिट में रहेंगे और अपनी बात रखेंगे तो कितना आकर्षण होगा नॉर्थ ईस्ट के लिए, इसका अनुमान भी हम लोग नहीं लगा सकते। सर, आपके परमिशन से मैं भी एक दो शब्द कहना चाहता हूं। सर, पहली बात इसमें यह भी है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए भारत सरकार की तरफ से भी बहुत अभी पुश हुआ है। रिसेंटली जो 29 स्कीम आई है, जहां पे पूरा इन्वेस्टमेंट्स के लिए सब्सिडी, भारत सरकार ने बहुत अच्छा सब्सिडी उसमें रखा है, और उसी तरह स्टेट्स ने भी सब्सिडी अपनी तरफ से भी डाला है। फॉर एग्जांपल, हमारे स्टेट में ही मेघालय में हम लोग बिल्कुल मैचिंग ग्रांट दे रहे हैं। तो अगर भारत सरकार एक्स अमाउंट ऑफ सब्सिडी दे रही है तो मेघालय ने भी वही सेम एक्स करके उसको 2x कर दिया है। तो ऐसे एक्चुअली पॉलिसीज हर स्टेट में बन रहे हैं और बनने चाहिए। और ये जो इन्वेस्टमेंट जो सिनेरियो है, ये जैसे कहा, जस्ट 4 दिन पहले ही हम लोगों ने भी हमारा तीसरा, आपको ये शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन 6 साल पहले शिलोंग में मेघालय में एक भी 5-स्टार होटल नहीं था। अभी हम लोगों ने 6 साल में 2 5-स्टार होटल हमारे खुल गए हैं, और परसों ही हम लोगों ने एक लेमन ट्री ओरेका करके एक ब्रांड है,
ओरेका का हम लोगों ने इसमें फाउंडेशन स्टोन डाला है, वहां पे 150 करोड़ का वहां पे एक और थर्ड हमारा 5-star होटल खुलने वाला है, और ये इन्वेस्टमेंट पूरा इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से है। तो इसी तरह हर स्टेट में आज इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और अगेन जब ये इन्वेस्टर्स यहाँ पे हैं, मैं चाहूंगा कि आप भी वो अपॉर्चुनिटीज देखिए, अभी ये सही समय है। अगर देर करेंगे तो फिर बाकी दूसरे लोग जो हैं वो अपॉर्चुनिटी और उसका बेनिफिट ले जाएंगे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अभी इन्वेस्ट करने का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को देखकर, ओवरऑल सोशल एनवायरनमेंट को देखकर और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को देखकर यही सही समय है, और इसलिए इन्वेस्टर्स को करना चाहिए। और मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं हमारे मंत्री साहब को कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी देखा, और ये इन्वेस्टर्स समिट अभी हर जगह में करा रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे समिट्स के थ्रू हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो इन्वेस्टमेंट हम लोग चाहते हैं और जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसका हमें पूरा फायदा मिलेगा। बिल्कुल, ये ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज का एक जबरदस्त बड़ा ब्लूप्रिंट है। जैसा आपने कहा था सिन्हा जी, हम लोग कुछ ऑडियंस के सवाल लेंगे या समय के हिसाब से बता दें, कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑडियंस में जाने के पहले एक सवाल मैं कॉनराड जी से पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने जिक्र किया एनवायरमेंट का, तो क्लाइमेट इमरजेंसी के इस दौर में नॉर्थ ईस्ट बहुत ही बेटर सिचुएशन में है, लेकिन ये जब प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ की तलाश में हम दौड़ते हैं तो इसको बचा के रखना बहुत जरूरी है। बहुत ही फ्रेजाइल इकोलॉजिकल सिस्टम है पूरे में, और यही हमारी एसेट है, वैल्यू है, और इसको बचा के रखना बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा इस पर, और यूथ आजकल इसको लेकर के बड़ा चिंतित है, हम लोगों से ज्यादा वो चिंतित है, इस पर आप अगर थोड़ा सा और कुछ कहना चाहें तो बड़ा उपयोगी रहेगा। इनफैक्ट आई टोटली एग्री, एंड इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स आर स्ट्रेसिंग ऑन द बैलेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोनॉमी। इट्स नॉट ऑलवेज द सिंपलेस्ट थिंग टू डू, आई एम नॉट सीइंग दैट देयर विल बी अ परफेक्ट सॉल्यूशन कि पूरा बैलेंस हो जाएगा, ऐसा शायद नहीं होगा। लेकिन आजकल जो अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, जैसे कि हमने कहा टूरिज्म सेक्टर में, तो टूरिज्म सेक्टर हाँ अगर ज्यादा कमर्शियल हो जाए तो फिर वो उसका स्ट्रेस जो है वो पड़ता है वहां पे स्टेट पर और एनवायरमेंट पर, लेकिन हर स्टेट को उसको बैलेंस करके उसको देखना होगा। तो जैसे कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी थोड़ा सा हाई एंड टूरिज्म की तरफ चले, थोड़ा सा हम लोग यू नो टूरिस्ट जो है जो ज्यादा स्पेंड कर पाए उनको लेके आए ताकि हमारे लोगों का फायदा हो। फूड प्रोसेसिंग में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, फूड प्रोसेसिंग इज ह्यूज अपॉर्चुनिटी, एंड दैट इज वेयर अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन आउट हियर दैट देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर लॉजिस्टिक्स नेटवर्क। यू सी समबडी नीड्स टू कम फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एंड सेट अप अ लार्ज नेटवर्क ऑफ फूड चेन इन टर्म्स ऑफ कोल्ड स्टोरेज, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट स्टोरेजेस, द यू नो स्मॉल एयरक्राफ्ट्स taking the products from one you know small runway to the major airports, putting up large you know systems and all this storage and cold storage and in the airports. So aise sectors mein agar hum focus kare, aur strength hamare northeast mein inhi cheezon ka hai. IT for example is going to be big, I'm very confident. Today we have an IT park in Shillong and we are under tremendous pressure to open up a second one, which we have just done. And, you know, in matter of 3 years, you know, we'll be having about, we already have 3,000 seaters. We'll be having about 8,000 seaters of space, plug-and-play model, so that investors don't have to come in and invest. They just come in and plug and start working. So, aise sectors mein agar hum dhyan de, to mere khyal se, aur isi sectors ka actually strength bhi hamara hai. To mujhe lagta hai ki hum log ecology aur economy ko balance karke hum log aage badh paayenge. थोड़ा सा हाँ यहां वहां एक दो चीजें हैं जहां पे हम लोग को, जैसे सिंधिया साहब ने भी कहा हाइड्रो पावर, सो टोटली रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सो हाइड्रो पावर को उसके भी थोड़े प्लस माइनस हैं, लेकिन नेट पॉजिटिव है उसका भी, नेट पॉजिटिव है लॉन्ग रन में। तो ऐसे सेक्टर्स में अगर हम फोकस करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग दोनों को बैलेंस करके चल सकते हैं। ऑल्सो इसमें संजय मैं आपको कहूंगा कि एक पॉइंट कि मनुष्य की जो, और ये मैं राजनीति से हटके कह रहा हूं, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, ह्यूमन, महात्मा गांधी ने एक बार कहा था देयर इज इनफ इन द वर्ल्ड फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ इन द वर्ल्ड फॉर एवरीवन्स ग्रीड। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट मदर अर्थ ऑल्सो। ह्यूमंस बाय आवर वेरी नेचर
also tend to only fend for ourselves and forget that Mother Earth has given us birth. So in this development paradigm, jo prashna aapne kiya, it is very important that if you define, okay, this is the area where I will allow development, whether 5-star, 3-star, 4-star, you must also define that this is the area where I will not allow any commercial development. And therefore, keep that area like a Shangri-La. Keep that area green. Where every human being can go and experience. Aaj zamana badal gaya hai. Vishwa mein kai aise tourism locations hain jo advertise karte hain ki hamare paas aaiye. Kyun? Kyunki hamare paas internet connectivity nahi hai. ये डब्बा, अब मैं दूरसंचार का मंत्री हूं पर लेकिन जब ये डब्बा जब से जन्म हुआ है एक तरीके से पर्यावरण मानव शांति के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है. तो वो बैलेंस जैसे अभी कॉनराड जी ने कहा वो हमें बनाना होगा और वो हमारा यूएसपी, हमारा मतलब भारत का या उत्तर पूर्वी राज्य का यूएसपी भी बनेगा. कम एंड एक्सपीरियंस नेचर एंड नेचर जो इनके पास है मैं आपको बताऊं कि विश्व के किसी कोने के पास नहीं है जो इन लोगों के पास. सिंधिया जी बताया नेचर के बारे में. एक डॉक्टर साहब थे हमारे यहाँ, अभी दिल्ली में रहते हैं, एमपी भी है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ. उन्होंने कुछ दिन पहले अगरतला आए थे, कह रहे हैं आप लोग हमसे 10 साल ज्यादा जियोगे क्योंकि दिल्ली का जो हालत है तो खाली पेड़ ही दिखोगे आप. त्रिपुरा में आपको जानकारी के लिए मैं कह रहा हूं, कुछ दिन पहले हमेशा ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं, 5 मिनट में 6 लाख पेड़ हम लोग लगाए विद इन 5 मिनट्स सभी पूरा त्रिपुरा में. जहां तक टूरिज्म का सवाल है, त्रिपुरा में कुछ दिन पहले मैंने इनोग्रेट किया हुआ एक डाल लेक है, हम लोग जानते हैं डाल लेक कश्मीर में. आप डुम्बुर में एक लेक है, वहां आप जाओगे, मैं सबको मैं इनवाइट करता हूँ, आप आओगे, आपको आप कहाँ ये त्रिपुरा में ऐसा हो सकता है क्या. तो वहां मैंने इनोग्रेट किया, वहां पर 21 लॉग हट हमने वहां पर इनोग्रेट किया और होम स्टे के लिए भी वहां पर स्टार्ट किया. और माता त्रिपुरेश्वरी मंदिर को तो आप जानते ही हो, और जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्प किया तो इसको भी बहुत खूबसूरत से हम लोग इसको बना रहे. मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा वहां आइए. और वहां रिलीजियस एक टूरिज्म है. उसके बाद त्रिपुरा में आप देखिए जैसे राजस्थान में चारों तरफ पानी, बीच में राजबाड़े, तो त्रिपुरा में एक रुद्र सागर करके है, देखने का लायक है वहां. तो इस तरह आप उनो कुटी, मतलब एक कम है एक कुटी से, तो उनो कुटी में आप जाओगे तो वर्ल्ड हेरिटेज करके उसका भी लिस्टेड हुआ है. तो इस तरह बहुत सारा जगह है. उज्जैन तो पहले से वो देखने के लायक है, राजा महाराजा माणिक्य डायनेस्टी के बारे में पूरा इतना खूबसूरत बनाया हुआ है. अभी होटल ताज के साथ हम लोग का एक ये हो रहा है, ऑलरेडी वहां पर भी एक 5-स्टार होटल है, लेकिन अभी इन्वेस्टर इस तरह आ रहे हैं हमारे यहाँ. और हम लोग काफी इन्वेस्टर्स पॉलिसी बनाए हैं, आगर पॉलिसी बनाए, बहुत सारा पॉलिसी हम लोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी सब बताए, हम लोग इस तरह काफी पॉलिसी हम लोग बनाए यहाँ, जो भी है हम बताएंगे, लोग आइए. और इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं. और मैं समझता हूँ नॉर्थ ईस्ट जिस तरह आगे बढ़ रहा है सब एकजुट, और बहुत अच्छा लगा सिंधिया जी जो कहा है हम मैंने पार्टनर होना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है. और इस तरह अगर हम एक साथ ये 8 राज्य अगर हम एक साथ काम करें, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो नॉर्थ ईस्ट डेवलप नहीं होगा तो इंडिया भी डेवलप नहीं होगा, ये सही मायने में आने वाले दिन वो दिखाएगा. सबको नमस्कार. जो बहुत बड़ा पैराडाइम चेंज है, पहले का लैंग्वेज था जिसको हम लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, वो था कि पैट्रोनाइजिंग टोन में बात करना. और अब की जो सरकार है 10 साल से, जैसा इन्होंने अभी लफ्ज पॉइंट आउट किया कि हम पार्टनरशिप की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, जो दिल्ली है वो पार्टनरशिप की लैंग्वेज में बात कर रही है. दरअसल दिल्ली ने किनारा करके रखा हुआ था, नॉर्थ ईस्ट तो हमेशा ही मेनस्ट्रीम रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है. सिंधिया जी आप ये सारी चर्चा आपने सुना, हिंदी अंग्रेजी में हो गई, लेकिन अब तमांग साहब भी यहां हैं चुके,
तो उनके जरिए सिक्किम के लोगों को कुछ और कहना हो और वो आपको नेपाली में कहना हो तो क्या कहेंगे? मैं तिम्रो सबैको दाई छु अनि मेरो मन को भावना तिम्रो सबैको तरफ मेरो मन को भावना छ अनि म तिम्रो परिवार को मान्छे छ ते भावना लिएर म कार्य गरिरा छु अनि मुख्यमंत्री जी को साथ हामी दुईटा बसेर सिक्किम को प्रगति अनि विकासलाई हामी सुनिश्चित गर्छ यो मेरो कल्पना छ अनि मेरो विश्वास अनि संकल्प नि छ अब हम लोग ऑडियंस से कुछ सवाल लेना चाहेंगे सिंधिया जी ने मुझे वक्त की मर्यादा बताई थी एक घंटा जो करीब करीब हो गया है फिर भी कुछ सवाल लेते हैं जी माइक होगा या आपने सवाल लिख के ले लिया ओके चलें अगर उनको आप माइक दे दें इम्पोर्टेंट बात की आगर का पहले ही मीटिंग में आपने आगर का बात किया ये आगर आपको पता है कि पूरा दुनिया का जो उद परफ्यूम बन रहा है वो असम का आगर से ही बन रहा है गोलाघाट जोरहाट शिवसागर से हम लोग का ये बहुत बड़ा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है इतना साल हम लोग इसको दूसरा तरीका से पूरा दुनिया का मार्केट को लेकर रखा था अभी हमारा मोदी जी का नेतृत्व में जो सरकार आया है उन्होंने बहुत इनिशिएटिव लिया है और हमारा असम का सीएम हमारा हेमंत बिश्व शर्मा जी ने बहुत इनिशिएटिव लेके इसको लीगल वगैरह प्रोसेस किया है अभी त्रिपुरा में भी हो रहा है तो असम का जो गोलाघाट जोरहाट शिवसागर का जो आगर है वो बहुत ये है हम 50,000 करोड़ का इसका बिजनेस कर सकते हैं अभी इलीगली या अनऑर्गेनाइज में 40,000 करोड़ का ये ट्रेड हो रहा है ये पूरा दुनिया का जो मार्केट में आगर है ये असम का ही आगर है और ये चीज हमको अभी ऑफिशियली करना है और इसका जितना बाधा है जो हमारा साइटिस का प्रॉब्लम्स है फॉरेस्ट का प्रॉब्लम्स है जितना इलीगल प्रॉब्लम से इसको हमको निकालना है और हम वर्ल्ड का सबसे बेस्ट परफ्यूम हम बना रहे हैं हम गोलाघाट में असम से फर्स्ट असम उद बेस्ड परफ्यूम हमने बनाया जो पहला परफ्यूम है मेक इन असम है हम लोग वोकल फॉर लोकल के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज है हमको कहीं पे जाना नहीं चाहिए असम नॉर्थ ईस्ट में हम 50,000 करोड़ का इसका बिजनेस हम कर सकते हैं और कर रहा है तो इसका आपसे हमारा उम्मीद है कि आप इसको सपोर्ट करें इसको टोटली फ्री कर दे और हम लोग को इंडिजिनियस पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट को ये मौका दीजिए हम लोग इंडिजिनियस पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इसका बिजनेस करें इसका अपॉर्चुनिटी ले और इससे हम पूरा दुनिया को असम और नॉर्थ ईस्ट का अगर से हम मार्केट का कब्जा करें थैंक यू आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया और डोनर मंत्री के बनने के पहले मुझे ये सूचना नहीं थी अगर एक यूनिट आगर ऊद का आप लो वो आज सोना या चांदी से भी 10 गुना ज़्यादा कीमती है ये क्षमता है भारत की साइटिस के अंदर हम लोगों का कोटा था उस कोटे को भी हम लोग ने बढ़ाया है आज जो कोटा भारत के लिए लागू है उसके अंतर्गत हजारों करोड़ का हम लोग ट्रेड व्यापार हम लोग कर सकते हैं पर इस क्षेत्र को केवल ऑर्गेनाइज और लाइसेंस और कोटा बढ़ाने की बात नहीं है बात यह है मैं आपको कहूं और वो आगरवुड से लगा हुआ है वो हॉर्टिकल्चर के साथ लगा हुआ है वो हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के साथ लगा हुआ है आज क्या होता है कि जो हमारे लोगों की क्षमता है चाहे वो बुनकर हो चाहे हॉर्टिकल्चरिस्ट हो उनको आप पूरा वैल्यू चेन बनाओ या तो आप पाइनएप्पल की बात करो या मोगा या एरीसिल की बात करो या आगर की बात करो उन लोगों को जो मेहनत मशक्कत करते हैं और पीढ़ियों से ये पूर्वजों से विरासत में उनको मिली है उनको उस पूरे वैल्यू चेन का केवल 5 या 10% मिलता है बाकी 90% वैल्यू चेन बाकी इंडस्ट्री ले जाती है हमारा लक्ष्य होना चाहिए और यही मैंने हमारे प्रदेश शासनों से भी निवेदन किया है कि साथ में मिलकर काम करना चाहिए कि उस वैल्यू चेन का सबसे बड़ा भाग हमारे स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए ताकि उनकी आमदनी हम लोग बढ़ा पाए तो पूरा वैल्यू चेन हमको लाना पड़ेगा वहां
और हमारे ग्रोअर्स को, हैंडीक्राफ्टर्स को, आगरवुड के प्रोड्यूसर्स को उस वैल्यू चेन का भाग बनाना पड़ेगा। और इसके विषय पर मेरे दिमाग में भी बहुत सारे सुझाव हैं जिस पर हम लोग सभी मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर कार्य करें। सुनिश्चित रूप से आप चिंता न करें, हम लोग पूर्ण आगर टास्क फोर्स बनाया मैंने, मंत्रालय के अंदर एक आगर टास्क फोर्स बनाया मैंने, एक हैंडलूम टास्क फोर्स बनाया मैंने, और उनके सारे जितने रिकमेंडेशंस हैं एक एक मुख्यमंत्री जी के साथ हम शेयर करने वाले हैं और साथ में मिलकर हम लोग काम करेंगे। तीन चार दिन पहले त्रिपुरा में आगर रोड का एक वहां पर कन्वेंशन हुआ है, और सबके जान के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आगर जो त्रिपुरा का जो कैपिटल है अगरतला, ये आगर से ही हुआ है। तो अभी आसाम का आप बात कर रहे हो, त्रिपुरा में भी है, तो अगरबत्ती वहाँ बन रहा है, एमएसएमई में काफी इंडस्ट्री अभी वहाँ शुरू हुआ, रबर का तो है ही, रबर इंडस्ट्री काफी वहाँ से जो थ्रेड निकाल रहा है काफी वहाँ पर अभी हो रहा है। तो अभी जो आप ठीक ही कहा, जो चीज वहाँ, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट के बाहर जितना वहाँ पर अगर पेड़ है वो फॉरेस्ट के बाहर है, इसीलिए फेलिंग ऑफ ट्री में कोई समस्या नहीं है, बहुत सुविधा है वहाँ। और अभी अभी कोटा भी बढ़ाया है, तो ये बाहर एक्सपोर्ट भी हो रहा है त्रिपुरा से, और मैं समझता हूँ हम लोग अभी टारगेट लिया है 2000 करोड़ का, मतलब ये चाह रहा हूँ इसका बिजनेस करें। तो जिस तरह इन्वेस्टर्स वहाँ गया है, ये लेके चार बार हुआ, दिस इज द फोर्थ टाइम, आप भी गए होंगे शायद, ये आपका कोई, अच्छा तो आप तो पार्टनर ही हो, तो काफी मूव भी हुआ है, और मैं समझता हूँ इसको लेके वो जेम जो हमारे सिंधिया जी ने कहा है, ये गोल्ड से भी ऊपर है, तो ये आने वाले दिन नॉर्थ ईस्ट रीजन का, खास करके त्रिपुरा, असम तो है ही, त्रिपुरा की फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। एक सवाल पूछा है नीलमणि बर्मन ने, कहाँ है, जी जी हिंदी में ही बात करते हैं जी। यू हैव आस्क्ड अबाउट स्टूडेंट्स राइट? यस, या गो अहेड। तो डोनर मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिस के स्टूडेंट के लिए क्या कर सकते हैं, लाइक यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ कैन बी स्टूडेंट्स बी सपोर्टेड बाय डोनर मिनिस्ट्री? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा। पांच छह महीने में जो मैंने कार्यकाल मैंने संभाला है, हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में मानव संसाधन की क्षमता, जैसे अभी कॉन्राड जी भी कह रहे थे, अपार है, युवा आबादी है, एक इंक्विजिटिव यूथ जनरेशन है और एक स्किल्ड यूथ जनरेशन है। और हमारी कोशिश है कि स्किलिंग का एक एक संगम होना चाहिए, मैचिंग होना चाहिए। तो मैंने विभाग में भी कहा है कि सभी प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर एक पहले कदम में एक हमको वेबसाइट बनाना चाहिए जहां सभी इंडस्ट्रियल सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज की डिमांड को लेकर स्किल मैचिंग हम अपने नॉर्थ ईस्ट के साथ हम लोग कर पाए। आज भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे आईटी के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में, मैं एक उदाहरण आपको दूं, अम्यूजमेंट एंड कॉमिक्स, आपका पूरा बैकएंड जो एनिमेशन का है, जो आप मूवीज आप विश्व में देखते हो, अवतार हो या जो भी हो, उनका बहुत सारा बैकएंड भारत में हो रहा है और वो ज्यादा करके साउथ इंडिया में हो रहा है, पर एनिमेशन की बहुत ज्यादा क्षमता नॉर्थ ईस्ट में भी है हमारे नौजवानों में। उनको भी हम लोग इन कंपनीज के साथ हम लोग मैचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बात है कि हमारे नौजवानों को मानव संसाधन में आगे बढ़ाने का, एजुकेशन में बढ़ाने का, पर दूसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एजुकेशन के बाद क्या एम्प्लॉयमेंट के साथ भी हमारा मैचिंग करना हमारा दायित्व है, और वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों के नौजवानों को उपलब्ध कराना, ये हमारी भी कोशिश रहेगी।
दोनों एजुकेशन के सेक्टर पे भी और एम्प्लॉयमेंट के भी सेक्टर के लिए, भारत के अनेक कंपनियों के साथ, कई कंपनीज तो ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में है ही, पर उनके साथ मैचिंग करके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हम लोग सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सिंधिया जी, एक सवाल और है जो बिल्कुल छोटा सा पूछना चाहूंगा, आया है ऑडियंस से, वो है कम्युनिकेशन वाली कनेक्टिविटी को लेकर के, क्योंकि आपकी सरकार ने 10 साल में रेल, रोड, एविएशन सबको डबल कर दिया है, बड़ा प्लान है, लेकिन ये कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी भी उतनी। तो हमारा प्लान है, मैं संक्षिप्त में बता दूं कि 5G की कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी पहुंच चुकी है, लेकिन 4G का 100% सैचुरेशन होना चाहिए, मतलब एक भी गांव बचना नहीं चाहिए, चाहे वो वाइब्रेंट विलेज हो हमारे सीमावर्ती इलाके पे, चाहे वो अगरतला के पास या शिलोंग के पास या सिक्किम का बॉर्डर पे एक गांव, हर एक गांव में हम लोग 4G सैचुरेशन की 100% सैचुरेशन हम लोग सुनिश्चित करने वाले हैं मई 2025 तक। आज तक करीब करीब 4,500 गांव जुड़ चुके हैं और आने वाले समय में 5,500 गांव जो अतिरिक्त हैं उनको भी हम जुड़ा के 100% कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल, चूंकि वक्त हमारा समय समाप्त हो गया है, जी जी, अभी मैं एग्जांपल के एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। कुछ दिन पहले त्रिपुरा में 1990s, बहुत दिन से त्रिपुरा में है, ये 1990s जो है ना, ये पुराना स्टाइल से चल रहा था, तो 20% लगभग वहाँ से जो पास होता था वहाँ एब्जॉर्ब होता था। अभी टाटा जो है उनके साथ हम लोग मोह किए हैं, तो इससे क्या हुआ, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, जो कंप्यूटर बेस्ड जो टेक्नोलॉजी, इससे क्या होगा, अभी जो वहां से स्टूडेंट निकलेंगे उन्होंने कहा और मोह भी हो चुका है, 100% एब्जॉर्प्शन आगा, सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरा विदेश में भी ये लोग भेजेंगे। तो इस तरह मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिस तरह मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ खास करके डोनर मिनिस्ट्री को, जितना प्रोजेक्ट हम लोग दे चुके हैं काफी उन्होंने बारीकी से देखा चुना और उन्होंने उसका मतलब सेंक्शन भी दिया, और ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक अभी एक ब्लेसिंग मैं समझता हूँ, और इस तरह अगर करें नॉर्थ ईस्ट जरूर और भी अच्छा होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ तक सवाल है। सिंधिया जी, एक मंत्री हैं नागालैंड के, हाँ, मिस्टर स्लोवा, वो एक सवाल पूछना, मिजोरम के मिस्टर स्लोवा। एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, अभी 3 माह पूर्व जब मैं मेघालय के दौरे पे गया था, हम लोगों ने असम में नीरस पोर्टल का हम लोगों ने उद्घाटन किया, नॉर्थ ईस्ट एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सपोर्ट पोर्टल। क्या है ये पोर्टल, कि हमारे जो कृषक हैं, किसान हैं जमीन के, चाहे वो मेघालय में हो, चाहे अरुणाचल में हो, मिजोरम में हो, नागालैंड में हो, किसी भी राज्य में, वो डायरेक्ट अपना उत्पादन का एक्सपोर्ट या देश में कहीं भी इंटरनेट के द्वारा सीधे सीधे उपभोक्ता को बेच पाए। मैंने एक बहुत मॉडेस्ट टारगेट रखा था कि अक्टूबर के माह तक हम लोग करीब 5 करोड़ का ट्रेड उस पोर्टल के आधार पर होना चाहिए और करीब करीब कम से कम 500 किसान उस पोर्टल पे अपना ट्रेड कर पाए। अक्टूबर के माह तक हम लोगों का करीब करीब 25 करोड़ रुपए का ट्रेड हो चुका है और 2000 किसान ऑलरेडी उस पोर्टल पे जुड़ चुके हैं। मतलब ऐसे ट्रेड्स हुए हैं जो आप तमिलनाडु या केरला में जो उन्होंने माल बेचा है भूल जाओ, विदेश में भी उन्होंने माल बेचा है। और मैं आपको छोटी मुंह बड़ी बात की कर रहा हूं, पर मेरा अंतर मन का टारगेट है कि अगले 1.5 साल के अंदर हमको 1,000 करोड़ का टर्नओवर इस पोर्टल पे करना चाहिए। तो वही जो मैं बात कर रहा था कि वो छोटा किसान केवल इसका उत्पादन नहीं करेगा लेकिन इसका ब्रांडिंग करेगा, इसका पैकेजिंग करेगा, सब कुछ करेगा और नीरेस्ट पोर्टल के आधार पर सीधा उपभोक्ता के साथ जुड़ेगा। तो सारा जो वैल्यू चेन के मिडलमैन है, जो मैं 20% लेता था किसान से, फिर ये 30% लेते थे, फिर ये 40% लेते थे और फाइनली जाके उपभोक्ता पेमेंट करता था, आज किसान डायरेक्टली उपभोक्ता के साथ जुड़ रहा है नीरेस्ट पोर्टल के आधार।
बहुत शानदार मिस्टर साहा, तमांग साहब, कॉनराड संगमा जी, सिंधिया जी, आप लोगों ने बहुत ही सारगर्भित